best of luck to all the students who are appearing for tomorrow UGC NET Electronic Science exam. यहाँ पर मैं आपके साथ ये डिस्कस करने नहीं आया हूँ कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है एग्जाम की, क्योंकि प्रिपरेशन का टाइम अब चला गया है. यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बेस्ट ऑफ लक बोलने आया हूँ कल के एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ कुछ लास्ट मिनट टिप्स देने आया हूँ. तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा टेक्निकल एग्जाम के लिए. वो टिप्स आपके लिए ये है कि होता क्या है कि आपके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. ठीक है, जब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो हमारी थॉट क्या होती है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें. ठीक है ना, हम हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सपोज करिए वो क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में है, तो हम क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन हमें आ नहीं रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें ट्राई करते हैं, उन पे सोचते हैं. लेकिन आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो आपका टाइम है वो बहुत ही लिमिटेड है आपके पास. तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं करना है आपको कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनके लिए आप सोचें या उन पे आप टाइम वेस्ट करें. हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जहां पे आपको दो पे डाउट हो, ठीक है, तो उन पे भी आपको ज्यादा सोचना नहीं है. बहुत ज्यादा आप सोच के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते जहां पर आपको क्वेश्चन का नॉलेज नहीं है. यहां पर आपको इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि भले ही नेगेटिव मार्किंग ना हो, लेकिन आपको उन क्वेश्चंस की तरफ पहले जाना है या उन क्वेश्चन पे टाइम देना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिनके लिए आप श्योर हैं कि इनके आंसर आप सही निकालेंगे. क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में मैटर क्या करेगा आपके लिए कि 100 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपके करेक्ट हैं. ठीक है ना, सपोज करिए आप 100 में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, उन क्वेश्चन पे टाइम लगाते हुए जो कि आपको नहीं आते थे. बहुत सारे क्वेश्चन पे आपने टाइम लगा दिया जो आपको नहीं आते थे, और आपके 50-60 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, लेकिन वो 10 आपने, या सपोज करिए 100 में आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो वो 20 आपके जो रह गए शायद वो आपको आते हो लेकिन आपका टाइम फिनिश हो गया हो. ठीक है ना, तो यहां पर हमें जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, जिन क्वेश्चंस पे हमें फुल डाउट है, उनको या तो आप अटेम्प्ट ही मत करिए, या तो आपको ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है मुझे अटेम्प्ट करना है, तो आप बहुत जल्दी से आंसर टिक करते हुए आगे बढ़ जाइए, उन पे फिर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, वो होता है आपका थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल. थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे हम किस तरह से डील करें, तो यहां पर भी एक समझने वाला पॉइंट ही है कि देखिए हम क्या सोचते हैं, टाइम बहुत लिमिटेड है तो हम थ्योरी क्वेश्चन पे ज्यादा जोर लगाते हैं. हम सोचते हैं कि अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने गए तो हमसे नहीं हो पाएगा या टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, जिससे हमसे पूरा पेपर नहीं हो पाएगा. लेकिन ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना चाहिए कि अगर आपने अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छे से की हुई है तो न्यूमेरिकल इतने ज्यादा इजी लेवल के आते हैं. बेसिकली गेट एग्जाम से अगर आप कंपेयर करें तो गेट एग्जाम के 1 मार्क के क्वेश्चन तो बहुत ही इजी लेवल के आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसमें अगर आपने ठीक से प्रिपरेशन की है तो आप श्योर श्योर सही आंसर निकाल लेंगे. और थ्योरी में क्या है, थ्योरी में अगर आपको वो चीज पता है तो आप करेक्ट आंसर दे देंगे, और नहीं पता है तो फिर आप दे ही नहीं सकते. ठीक है ना, फिर आपका गैसिंग वक्त चलेगा और वो लक के ऊपर डिपेंड करेगा. क्योंकि थ्योरी में सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, थ्योरी वाले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर आपने थ्योरी याद की हुई है तो आपसे बन जाएगा, अदरवाइज वो थ्योरी आपने याद नहीं की हुई है तो आपसे नहीं बनेगा, सिंपल. लेकिन न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं कि अगर वो कंसेप्ट आपको पता है, ध्यान रखिएगा कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो आपने अगर पढ़ लिए तो उससे रिलेटेड आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन की है तो कोई ऐसा कंसेप्ट यूजीसी नेट के एग्जाम में न्यूमेरिकल वाइज ऐसा कोई नया नहीं आता है कि आपसे ना बने. लेकिन थ्योरी अनलिमिटेड है, वो कहीं से भी कुछ भी पूछी जा सकती है, वो डेप्थ में जाके पूछी जा सकती है. तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन पे ध्यान देना है, हमें थ्योरी क्वेश्चन पे तो ध्यान देना ही है, जो हमें आते हैं उन्हें हमें तुरंत टिक करना है और आगे बढ़ जाना है.
लेकिन जो हमें नहीं आते हैं उनके पीछे हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, हमें डायरेक्ट आंसर टिक करना है उन पे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आगे बढ़ जाना है। लेकिन न्यूमेरिकल को ये नहीं सोचना कि लास्ट के लिए हम छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है फिर लास्ट में आपके पास टाइम ही ना बचे। न्यूमेरिकल जैसे जैसे आपको दिखते जाएं और आपको पता है या आपको लगता है कि उनके कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप फटाफट उन्हें सॉल्व करिए और आंसर टिक करिए। एटलीस्ट आप श्योर रहेंगे कि ये आंसर आपका सही है, ठीक है ना। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल में। और एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट का। ओवरऑल पेपर के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो जो आपकी टाइम मैनेजमेंट है ना वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा। टाइम मैनेजमेंट तो आप बोलेंगे आपको पता ही है कि इतने टाइम का पेपर है, हमें इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन हमेशा आप ना जितने टाइम का भी पेपर हो 10 मिनट्स उससे कम लेके ही चलिए, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है कई बार कि आपको पेपर जब आप एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस या कुछ न्यूमेरिकल जो आपसे पहले नहीं बने होते हैं वो बन जाते हैं आपसे। तो आप कोशिश करिए कि 10 मिनट्स पहले आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, ताकि आप एक बार जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हुए हैं, ठीक है ना, उन्हें आप दोबारा से एक बार देख सकें, स्पेशली न्यूमेरिकल्स को, ठीक है ना। या जिन क्वेश्चन में आपको डाउट था कि हाँ ये हो सकता है या वो हो सकता है, उन्हें आप एक बार दोबारा जरूर देखिए लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में। और 10 मिनट्स में इसलिए भी बोल रहा हूं कि कुछ अदर थिंग्स भी होती है एग्जामिनेशन के साथ साथ, साइन वगैरह जो भी है, तो वहां पर भी आपका थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होता है अटेंडेंस वगैरह में। तो आप 10 मिनट्स का मार्जिन हमेशा लेके रखिए रिविजन के लिए, पेपर के रिविजन, दोबारा पूरा पेपर देख ले सकें एक बार, और जो अदर एक्टिविटीज आपकी हो सकती है वहां पर, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होता ही है। तो हमें 10 मिनट्स का मार्जिन लेके चलना है, उस हिसाब से ही हमें पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। और किसी भी टाइम पे पैनिक नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि 50% टाइम निकल चुका है और हमारे सिर्फ अभी 20 या 25 या 30 क्वेश्चन ही हो पाए हैं, तो हो सकता है ना कि आपने वो 30 पूरे न्यूमेरिकल किए हों और आपके पूरे सही हों वो, तो हमें पैनिक नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको 100% स्कोर वैसे भी नहीं करना है, उससे कम ही आपको स्कोर करना होगा, ठीक है ना। अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाने के लिए भी आपको 100% स्कोर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से ही आपको सोचना है, कभी इस पॉइंट को लेके पैनिक मत हो जाना पेपर के बीच में कि हाफ टाइम निकल गया और मेरा सिर्फ 30% क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरा 30% में से हो सकता है 28, 25 या पूरा 30% सही हो। तो कॉन्फिडेंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पर, एग्जाम के टाइम पर भी। एग्जाम के पहले तो प्रिपरेशन के टाइम पे कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम पे भी आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहना है। और किसी भी पॉइंट पे ये बिल्कुल नहीं सोचना है, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लानी है, क्योंकि वो आपके जो 2 आवर्स हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। जितना आपने प्रिपरेशन टाइम में रहा है उससे कहीं ज्यादा आपको पॉजिटिव रहना है उस 2 आवर्स में, तभी आपकी जो पूरी प्रिपरेशन आपने की होगी लास्ट 4 मंथ 6 मंथ 8 मंथ में वो आपकी काम आएगी, ठीक है। तो ये कुछ जनरल टिप्स थी आपके लिए जो आपके एग्जामिनेशन के लिए है। बाकी आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की होगी मुझे पता है। और फिर से एक बार ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम, अच्छे से बनाइएगा, पॉजिटिव रहिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, कभी भी पैनिक मत करिएगा। और जब आपका पेपर हो जाए, पेपर कैसा हुआ इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा, और अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो मुझे भी बहुत खुशी होगी ये जानकर। गुड बाय।